पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं। वो अपनी ही पार्टी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। खास तौर पर किसान आंदोलन को लेकर वरुण के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। वरुण गांधी ने अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार के किसान विरोधी नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या है इस वीडियो में, देखिए। बीजेपी सांसद अक्सर अपनी सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं, चाहे लखीमपुर खीरी में हुई घटना हो या किसान आंदोलन, वो हमेशा ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब वरुण गांधी के तेवर और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। इस बार बीजेपी सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वीडियो को शेयर करते हुए अपनी सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने ट्विटर पर वाजपेयी का जो वीडियो शेयर किया है वो 4 दशक पुराना है, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और इस वीडियो में वो केंद्र सरकार को घेरते दिख रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। ये वीडियो साल 1980 का है। उस वक्त मुंबई में बीजेपी के अधिवेशन में वाजपेयी ने ये भाषण दिया था। तब किसान फसल के उचित दामों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और वाजपेयी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ वरुण ने लिखा है कि बड़े दिल वाले नेता के समझदार शब्द। दरअसल इस वीडियो के जरिए सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों के समर्थन में वाजपेयी खड़े रहे थे, वैसे मोदी सरकार भी किसानों का समर्थन करे, ना कि किसानों को परेशान करे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।